महाराष्ट्र के अकोला में इस वर्ष अत्यधिक बारिश होने के कारण पहले ही खरीफ फसलें खराब हो गई। किसानों को भारी नुकसान हुआ। इसके बाद किसानों ने जब सोयाबीन की फसल की कटाई शुरू की तब वापसी की बारिश के कारण फिर एक बार किसानों को नुकसान झेलना पड़ा और सोयाबीन की फसल बारिश से गीली हो जाने के कारण सोयाबीन की क्वालिटी पर इसका असर पड़ा। इस तरह किसानों को एक बार फिर आर्थिक संकट का सामना करना पड़ा। जिन किसानों ने अपने खेतों में सोयाबीन की फसल काट कर रखी थी वापसी की बारिश के कारण वो सोयाबीन भी खराब हो गया। सोयाबीन के दामों में नमी होने के कारण सोयाबीन के दाम कम हो गए और इस कारण बारिश के कारण खराब हुआ सोयाबीन 3,000 रुपए से लेकर 4,000 रुपए प्रति क्विंटल पर बिकता दिखाई दे रहा है। मिली जानकारी के अनुसार वापसी की बारिश के कारण अनेक क्षेत्रों में सोयाबीन की फसल खराब हुई है और इस वर्ष महाराष्ट्र के अकोला जिले में 2,29,122 हेक्टेयर क्षेत्र में सोयाबीन की बुआई की गई और इस क्षेत्र में से कई हेक्टेयर क्षेत्र में सोयाबीन का अक्टूबर महीने में हुई बारिश के कारण नुकसान हुआ। ये उल्लेखनीय है कि जिले की कई बाजार समितियों में जब सोयाबीन बिक्री के लिए आया उस समय सोयाबीन के दाम 6,000 रुपये क्विंटल तक गए थे। उसके बाद अब फिर सोयाबीन के दामों में गिरावट देखने को मिल रही है। कई जगह अच्छी क्वालिटी के सोयाबीन को करीब 5,500 रुपये क्विंटल के दाम भी मिल रहे हैं। एपीएमसी में सोयाबीन की आवक बढ़ चुकी है। जानकारी के अनुसार अकोला और मूर्तिजापुर की एपीएमसी में सोयाबीन के अच्छे दाम मिल रहे हैं। इसी तरह जो सोयाबीन बारिश के कारण खराब हुआ है उसे बहुत ही कम दामों में खरीदा जा रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, मार्केट टाइम्स टीवी।